गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं जर्नल एंट्री रूल्स के बारे में, जिसको थ्री गोल्डन रूल्स बोलते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था कि अकाउंट्स को हम लोग टोटल तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर लेते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट में जर्नल एंट्री का क्या रूल्स लगता है, ये भी आप लोग को मालूम होगा कि जर्नल एंट्री में एक अकाउंट हमें डेबिट करना होता है और एक अकाउंट हमें क्रेडिट करना होता है। तो जो जर्नल एंट्री का रूल्स है, हमें ये क्लियर होना चाहिए किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट्स में बेसिकली हम लोग एसेट्स को अटैच करते हैं और इसमें रूल्स आपको ये फॉलो करना है कि जो भी एसेट्स आपके पास आ रही है उसको आपको डेबिट करना है और जो एसेट्स आपके पास से जा रही है उसको आपको क्रेडिट करना है। फॉर द एग्जांपल, आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, बिल्डिंग इज़ कमिंग, बिल्डिंग को हमें डेबिट करना है। मनी इज़ गोइंग, कैश को हमें क्रेडिट करना है। आपने एसी परचेज किया, एसी इज़ कमिंग, एसी को आपको डेबिट करना है। मनी इज़ गोइंग, देन कैश को आपको क्रेडिट करना है। फर्नीचर परचेज किया, इसी तरह से फर्नीचर आया, फर्नीचर इज को आपको डेबिट करना है। मनी इज गोइंग, कैश को आपको क्रेडिट करना है। मीन्स जब भी हम कोई एसेट्स का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज कमिंग एंड व्हाट इज गोइंग। जो आ रहा है उसको हमें डेबिट करना है, जो जा रहा है उसको हमें क्रेडिट करना है। आपने फर्नीचर सोल्ड किया, मनी इज कमिंग, आपको कैश को डेबिट करना है। फर्नीचर इज गोइंग, फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर को आपको क्रेडिट करना है। ये रूल्स था आपका रियल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट में जब भी बिजनेस करते हैं तो मेरे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स होती है, हमें एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेंस। जो भी आपका एक्सपेंसेस है, आप सैलरी का पेमेंट करते हो, वेजेस का पेमेंट करते हो, रेंट का पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करते हैं, कमीशन का पेमेंट करते हैं, ये सब मेरे लिए एक्सपेंसेस हैं और सारे एक्सपेंसेस को हमें डेबिट करना है। सपोज़ अगर आपने रेंट का पेमेंट किया तो रेंट आपका एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस की कैटेगरी में क्या आता है, इसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो रेंट को हम डेबिट करेंगे। पेमेंट में आप क्या दोगे, कैश दोगे, देन कैश इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द रियल अकाउंट एंड इन दिस एंट्री मनी इज़ गोइंग, तो कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। देन एंट्री इज़ द रेंट अकाउंट डेयर टू कैश। इसी तरह से कोई इनकम आप रिसीव कर रहे हो, मीन्स आपने कमीशन रिसीव किया, तो कमीशन जब आप रिसीव कर रहे हो तो आपके पास कैश आ रहा एंड कमीशन इज़ योर इनकम और कमीशन आपकी क्या है, इनकम है। तो आपको कैश को डेबिट करना है और कमीशन को आपको क्रेडिट करना है, राइट। आपने रेंट रिसीव किया, मनी इज कमिंग, कैश अकाउंट डीआर एंड रेंट यूजर इनकम और रेंट को आप क्रेडिट करोगे। तो जो भी एक्सपेंसेस और इनकम होंगे उसको हमें डेबिट करना है और जो भी इनकम्स एंड गेंस होगी उसको हमें क्रेडिट करना है। थर्ड रूल, इन पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स जब कोई पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होता है, मीन्स आपने गुड्स परचेज किया बट आपने अभी पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। आपने गुड्स सोल्ड किया बट कैश रिसीव नहीं किया, पेमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे भी पर्सनल अकाउंट आपका इन्वॉल्व हो गया। आपने पहले परचेज किया था, अब आज पेमेंट कर रहे हो और आज गुड्स नहीं ले रहे हो, यहाँ भी पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व हो गया एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर्स। मीन्स अगर सेम डे हमने परचेज कर रहे हैं, सेम डे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। आज हम गुड्स ले रहे हैं सप्लायर से, आज कैश नहीं दे रहे हैं, कल हमने कैश दिया, कल हमने गुड्स नहीं लिया, तो कल की डेट में भी पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व हुआ और आज में भी पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होगा। और जब हमें पर्सनल अकाउंट की जर्नल एंट्री पास करनी होगी तो उसका रूल्स क्या है आपका, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स रिसीवर को आपको डेबिट करना है और गिवर को आपको क्रेडिट करना है।